फिल्टर नहीं, वो प्यार था हमारा जो ढूंढ ढूंढ के लगाया था मैंने। बंदस बैठो। अच्छा मैं जाना चाहता हूँ गहना और आयुष्मान का, आयुष्मान का प्यार का लव स्टोरी जिस तरह हम देख रहे हैं। एक समय था कि हम देखा था कि इसके हर जिंदगी सुख दुख में आप साथ थे, आपके सामने जंजीर में लटके हुए थे, लेकिन आप चाह के भी कुछ नहीं कर रहे थे उनकी हेल्प। क्या है माजरा, क्या प्यार में दरार कैसे आ गई? माजरा ये है कि हालातों से मजबूर है, सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त गहना के खिलाफ है, और दूसरी तरफ मेरी जो कौन है वो मेरी आलिया उससे मेरी शादी होने वाली है, लेकिन वो बेचारी व्हील चेयर पर है और उसका इल्ज़ाम भी इनके ऊपर है। उसके बाद भी इन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें की है जिनकी वजह से इन्हें ये पनिशमेंट दी गई है, और अब मैं कितना भी बचाऊं, लेकिन आखिर बुआ जी हैं मेरे घर वाले, उनकी रिस्पेक्ट है, तो एकदम उनके अगेंस्ट जाके भी नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो हमारे रिश्ते के बारे में जानते भी नहीं। देखा जाए तो सच्चा प्यार ना चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। आपने कोई भी हेल्प नहीं किया चोरी चोरी चुपके चुपके, बताओ क्या था ये? आप बताओ, आपकी बीवी है जैसे भी पकड़ूंगा, जो भी है बीवी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करना चाहिए, क्यों नहीं हेल्प किया बताओ? मैंने हेल्प क्यों नहीं किया? मैं हेल्प कर ही नहीं पाया। मैं आया था इससे पहले, इनकी जंजीर उतारने की कोशिश की गई थी, पर मुझे डांट के भगा दिया गया। उसके बाद इनको ही घर से निकाल दिया गया, क्योंकि अभी भी इन्होंने घर वालों के हिसाब से आलिया के साथ एक मजाक किया है, उनके फूल की माला में पटाखे लगा के छोड़ दिए हैं। तो ये सब हरकतें करेंगे तो कैसे इनकी मदद की जाएगी? बट ये लोग ये देख भी तो सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है, पता लगा सकते हैं। सुनो मैं जानना चाहता हूँ इमोशन के साथ देखो, आप किसी को नहीं कुछ जानना चाहते? नहीं, आप अभी आप कार्यक्रम में खराब हो अभी, क्योंकि देखो नारी का सम्मान आप हमेशा करते हो, इस बार नहीं कर पाए इसीलिए मैं आप घेरे हूँ। इस बार नहीं, अरे सम्मान तो किया ना भाई, सम्मान क्यों नहीं किया? नहीं किया। अच्छा हम आपको जानना चाहते, दिल पर क्या बीता आपको जिससे आप तन मन धन सब दे चुके हो आप? मैं तो पहले ही दे चुकी हूं, धन इनके पास है नहीं भाई साहब, अरे दिल के दौलत। तो दिल तो दे चुकी थी मैं इनकी बस की टिकट कराने के लिए जा रहा हूँ, इससे हेल्प कर रहा हूँ, ये मुसीबत दूर कर रहे हो लग रहे हो। बस की टिकट ही करवाते हैं मेरी, बस कुछ नहीं करते। तो हाँ दर्द मुझे बहुत हुआ कि इन्होंने मेरी साइड नहीं ली, सच जानने का एक बार प्रयास भी नहीं किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। इसीलिए आखिर में जाना, आप भी सच्चे प्यार करते हो उनको, आपको भी कहीं कहीं भरोसा होना चाहिए, ये इधर से ना उधर से कहीं ना कहीं मेरा जो है हीरो रूप में आएंगे, कहीं ना कहीं हमको बचाएंगे या तो हमको वापस लेके आएंगे, ऐसा कहीं कहीं नहीं लगा दिल में आपको भी? अभी तो प्यार करते हो ना, तो भरोसा रखना चाहिए। एक साइड दिल में भरोसा है, बोला कुछ नहीं मैंने, दिल में सब एक साइड है, भरोसा भी है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे आगे जाकर, सच तो सामने आएगा है ना, सच की जीत होती है। आखिरी में मुझे जाते जाते ये भेड़िया जो जंजीर डाला था क्यों डाला था? जंजीर जो डाला था वो क्यों डाला था पाँव में? ये पाँव में इसीलिए डाला था क्योंकि मैं आलिया का सच सामने लाने के लिए आलिया के पैरों पे डंडे मारती हूँ ताकि वो उठकर खड़ी हो जाए। इससे अगर बोला ना कि मैं आखिरी बार ये पूछना चाहता हूँ तो ये तीसरी बार हो जाएगा, इसकी आवाज और बढ़ जाएगी। ठीक है, हम समाप्त करते इस बात के विराम लगाते हैं, जाते जाते वो शुभ आपका नाम, अशुभ चैनल का नाम आप लोग अपने मुंह से बोल लीजिए। हाय मैं हूँ पारस अरोड़ा, और मेरा शुभ नाम है दिव्या पाटिल, और हम शुभ चैनल टीवी से बॉलीवुड तक देख रहे हैं।